हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। गाने की रिकॉर्डिंग हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गाना बहुत अच्छा है इस फिल्म का। सबसे पहले तो जितने भी भोजपुरी के दर्शक हैं, सभी दर्शकों को यश कुमार का नमस्कार है, प्रणाम है। और हमारी ये जो फिल्म है शंकर फिल्म का आज गाने से शुभारंभ हुआ है और 7 तारीख से हम लोग इसकी शूटिंग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में शूट कर रहे हैं हम लोग। और ये बहुत कमाल की स्टोरी है, बहुत कमाल की। इसका जो फाइट सीक्वेंस होने वाला, मुझे लगता है कि काफ़ी लंबे अरसे से मैंने हार्डकोर एक्शन फिल्म नहीं की है, तो जब सूरज हमारे पास आए और इन्होंने कहानी जब सुनाई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कहानी। मैंने सूरज से यही कहा कि यार, आप कहानी सुना रहे हो तो ये तो बहुत बड़ी एक्शन फिल्म है, आप इसको जो सुना रहे हैं वो उसके साथ न्याय करेंगे। सूरज ने कहा, भैया आप सपोर्ट कीजिए और हम पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूँ। और सच में तजुर्बे वाले लोगों के साथ तो सब लोग काम करते हैं, मैं भी बैक टू बैक कर रहा हूँ। यंग लोगों के साथ काम करने में ना बड़ा मज़ा आ रहा है आजकल। जैसे अभी मैंने लालटेन फिल्म कंप्लीट की, लालटेन फिल्म में यंग डायरेक्टर हैं थे वो यादव। जब मैं डायरेक्शन में था तो वो मेरे जूनियर हुआ करते थे, पता ही नहीं चला कि मैं इधर एक्टिंग में लग गया और वो डायरेक्शन में इतने परिपक्व निर्देशक बन के आएंगे, पता नहीं था। मतलब कमाल की एनर्जी है उनके अंदर, वही विश्वास वही एनर्जी मैं सूरज में देखता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सूरज एक ऐसे निर्देशक के रूप में लोगों के सामने आए कि लोग स्तब्ध हो जाएँ कि यार, ये नए लड़के में इतनी एनर्जी, नए लड़के में की सोच इतनी परिपक्व कैसे हो सकती है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं ये फिल्म कर रहा हूँ कि सूरज एक बड़ी खूबसूरत फिल्म बनाने जा रहे हैं। तो एक्शन के अलावा और कुछ है फिल्म में जिसके बारे में बताना चाहेंगे? एक्शन तो तभी होता है जब उस फिल्म में प्रेमिका होती है। कभी एक्शन हमेशा होता है तो परिवार के लिए होता है या प्रेमिका के लिए होता है। तो एक्शन है तो लाजमी है कि परिवार है, एक्शन है तो लाजमी है कि गर्लफ्रेंड है। और ये फिल्म पारिवारिक मुद्दों को लेकर के, सामाजिक मुद्दों को लेकर के, प्रेम से और सामाजिक और पारिवारिक मुद्दों के बीच में एक खूबसूरत सी लव स्टोरी को पिरोया गया है, जो बड़ा मुझे लगता है कि मतलब एक कंप्लीट पैकेज फिल्म है, जिसको हम एक फिल्मी भाषा में कहते हैं कि कमर्शियल सिनेमा। तो ये कमर्शियल सिनेमा है जिसको बहुत बड़े लेवल पे शूट कर रहे हैं हमारे सूरज बाबू। आगे और सवाल इसमें निधि झा हैं, लोगों की आजकल तो यंगस्टर की धड़कन बनी हुई है निधि झा, तो लुलिया गर्ल। मुझे लगता है कि अब वो लुलिया से बहुत आगे आ चुकी हैं। लुलिया एक वक्त में आई थी, अब वो लुलिया की इमेज धूमिल हो गई है। उसके बाद उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में दी, दिलवर दी, क्रैक फाइटर अभी उनकी सुपर हिट फिल्म थी। बैक टू बैक हमने साथ में काफ़ी काम किया। निधि झा के साथ मैंने कसम पैदा करने वाले की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी। अभी हमने इच्छाधारी नाक की है निधि झा के साथ। तो सूरज बाबू को लगा कि निधि झा बेस्ट जोड़ी हो सकती है मेरे साथ, यश कुमार जी के साथ जो अभी चल रहा है कि बैक टू बैक 2-3 अच्छी फिल्में हुई हैं, तो ये भी हाथ गर्म कर लिया मुझे लगता है उसमें। निधि झा हैं इसमें हुई और कास्टिंग बहुत प्यारी है। सब लोग, सुशील सिंह जी विलेन हैं इसमें, गोपाल राय जी पिता के रोल में हैं और माया यादव जी माँ के रोल में हैं, किरण यादव माँ के रोल में हैं, विनोद मिश्रा हैं, दीपक सिन्हा जी हैं। मतलब कम्प्लीटली एक पारिवारिक राधे मिश्रा हैं, कम्प्लीटली एक जो भोजपुरी के एक परिवार है जो भोजपुरी का, वो सारे लोगों को इन्होंने इस सिनेमा में पिरो दिया है। मतलब खूबसूरत खूबसूरत मोतियों को लेकर के एक माला के रूप में इन्होंने पिरो दिया है। एंड दैट ऑल क्रेडिट गोज टू वन एंड ओनली सूरज। प्रोड्यूसर इसके बड़े अच्छे, मेरा ही नाम है उनका, यश। तो बने यशराज इंटरटेनमेंट, क्या बात है। तो यशराज इंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर का नाम यश, एक्टर यश कुमार, वो बहुत अच्छी दिल खोल करके वो भी। देखिए, सिनेमा बनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना जो मुझे लगता है कि चाहिए, वो ये होना चाहिए कि हम सिनेमा बनाते समय ये ना देखें कि हमको इस बजट में सिनेमा कंप्लीट करना है। हमको ये देखना है कि हमको एक फिल्म बनानी है, फिल्म बनाने के बाद हम बजट के ऊपर जाएँ कि यार हमारा फिल्म में कितना लगा, वो फिल्म खूबसूरत लगती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सूरज का और निर्माता का, भैया आप साथ में खड़े होइए
हमको ये नहीं देखना है कि बजट क्या है क्या नहीं है, हमें बस इस फिल्म में यश कुमार चाहिए, क्योंकि वो एक्शन फिल्म जो हमने कैरेक्टर को देखा है वो कैरेक्टर यश कुमार आप ही कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलिए बहुत अच्छी बात है। और एक निर्माता अगर ये बोलता है कि हम सिनेमा बना रहे हैं सर, हम बजट नहीं देख रहे हैं, सिनेमा बनाने के बाद बजट डिसाइड करेंगे कि बजट क्या गया, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। इससे लगता है कि आप एक बड़ा सिनेमा का निर्माण कर रहे हैं, एक खूबसूरत सिनेमा का निर्माण कर रहे हैं। तो आई एम हैप्पी कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ, इस फिल्म में मैं अभिनेता के रूप में आ रहा हूँ। यश जी, आपकी एक फिल्म आ रही है लालजन, जिसमें आपके किरदार की काफी सोशल मीडिया पे तारीफ हो रही है, तो उस किरदार के बारे में जरा बताइए क्या है, काफी अपने बॉडी पे काफी चेंजिंग लाए उस किरदार को निभाने के लिए। मैं हमेशा कुछ ना कुछ अलग करते रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब भोजपुरी का आज के 10 साल बाद 15 साल, अभी भी चर्चाएं होती हैं कि कोई है भोजपुरी में पागल एक्टर जो हर वक्त कुछ नया करना चाहता है, तो लोग बोलते हैं हाँ एक पागल आया इंडस्ट्री में, यश कुमार नाम का, जिसे हर वक्त कुछ नया करने का कीड़ा काटा रहता है। तो वो नया मैं करता रहता हूँ। और अभी मैंने, मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है 28-30 फिल्में करने के बाद, परसों मेरी फिल्म बिटिया छठमाइके का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर था, बॉक्स ऑफिस पे गलत रिलीज़ किया गया, इसको रिलीजिंग इसको अच्छी नहीं दी गई, बड़ी फिल्मों से लड़ाया गया, कमर्शियल सिनेमा से लड़ाया गया, बड़ी और छोटी कुछ नहीं होती है, क्योंकि मैंने भी बड़ी फिल्मों के बीच में अपनी इच्छाधारी रिलीज़ की तो बड़ी बड़ी फिल्मों को बिठा दिया था, कसम पैदा करने वाली की तो बड़ी बड़ी फिल्मों को बिठा दिया, नागराज की तो बड़ी बड़ी नागराज की, नाग के ऊपर बनी फिल्मों को मैंने, उनके आगे मैंने ये बता दिया कि यश कुमार जो सिनेमा बनाता है वो सुपर्ब होता है। लेकिन जब एक खूबसूरत सिनेमा को खूबसूरत टाइमिंग पर रिलीज़ नहीं किया जाता है और उसके साथ छल किया जाता है, तो गलत उसका रिस्पॉन्स मिलता है। बॉक्स ऑफिस पे बिटिया छठमाइके को वो पायदान पर नहीं उतरी वो जिस पर मैंने सोचा था, बहुत अप्रिशिएट हुई फिल्म। परसों वर्ल्ड टीवी प्रीमियर के दिन बिहार के अलग अलग जिलों से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, मतलब उत्तर भारतीय जहाँ जहाँ हैं, सब लोगों ने मुझे मैसेज किया फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मेरे व्हाट्सएप पे, जहाँ से लोगों का नंबर मिला, कि भोजपुरी की सबसे खूबसूरत सिनेमा है अब तक की बिटिया छठमाइके, ऐसा सिनेमा हमने कभी नहीं देखा है। तो वो सिनेमा मैंने किया कुछ अलग हमेशा करने की एक कोशिश में। फिर मैंने लालटेन फिल्म, मुझे सुनाई गई लालटेन जी, लालटेन फिल्म जो है ये लालू प्रसाद यादव जी के चुनाव चिन्ह है, और ये लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी जी के इर्द गिर्द घूमती एक कहानी है लालटेन। तो मैंने सोचा, कोशिश की है कि मैं लालू जी के किरदार के साथ न्याय करूँ। फिर मैं सूरज की फिल्म के लिए बता रहा हूँ कि जब इन्होंने मुझे कहानी सुनाई है, जब हम लोग 7 तारीख को इस फिल्म को शूट करेंगे तो आप लोग एक यश का अलग गेटअप देखेंगे इसमें। मैं हर फिल्म के साथ कुछ अलग करना चाहता हूँ, हर फिल्म को एक अलग किरदार में जीना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ, मुझे 2-3 एक्ट्रेस के फ़ोन आए जब बिटिया छठमाइके देखा, कुछ एक्टर लोगों के फ़ोन आए, कुछ निर्माता के कॉल आए, कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सिनेमा में यश नज़र नहीं आया है, एक लाचार बाप नज़र आया है। तो मेरी जीत वही है कि मैं हर फिल्म के साथ एक नए किरदार को पिरोने की कोशिश करता हूँ, और उससे अच्छी चीज़ क्या है कि डायरेक्टर का साथ मिल जाता है मुझे। तो इस फिल्म में जो है सूरज का साथ मिलेगा मुझे, तो मुझे लगता है कि जिस दिन हम लोग फर्स्ट लुक मतलब पहला, जब हम लोग सेट से पहला फ़ोटो डालेंगे, तो आप लोग जब देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि एक बड़ी ही खूबसूरत सा, बड़ी खूबसूरत सी फिल्म के साथ एक अट्रैक्टिव लुक लिया है यश कुमार ने। अभी से कुछ नहीं बताऊंगा, मैं फ़ोटो जब डालूंगा फेसबुक वगैरह पर तो आप लोग देखिएगा कि ये फिल्म, इस फिल्म का लुक बिल्कुल डिफरेंट है मेरी बाकी की फिल्मों से। यश जी, क्या अनुभव रहा है लालू प्रसाद यादव जी को? Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.